ये पोजीशन स्टे रही है। वही मुंडी है ना उसका बॉडी बॉडी इतना बड़ा स्नैक आप हट जाइए। हाँ अब ऐसे घूम जाइए सर, सिचुएशन को आप देखिए। चढ़ जाओ ऊपर में मत। देखना उधर ये बिल्कुल पास में का एकदम दादा दादा थोड़ा
गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक रेस्क्यू टीम बिलासपुर में स्वागत है। और हम यहाँ सरकंडा नूतन चौक में आयुर्वेदिक कॉलेज पे आए हुए हैं। ये एक स्पेक्टिकल कोबरा और इसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, और इसको हम हिंदी में नोकल नाम में किस नाम से जानते हैं, नागा। और नोकल नाम इसके एक्चुअल में हैं गेहुअन डोमी के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये स्पेक्टिकल कोबरा है और इसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसके काटने से हर साल हज़ारों लोगों की मृत्यु होती है। ये हमारे पर्यावरण के दोस्त हैं, इनको हमको नहीं मारना है, क्योंकि इनके जहर से जितने लाइफ सेविंग मेडिसिन बनते हैं और वो मेडिसिन हमारे यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ सांपों को ना मारें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के दोस्त हैं। जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल करिए, हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं और इसी तरह से हम लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ यूट्यूब में हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि सर स्नेक बाइट में कितना टाइम होता है, तो मैं बता दूँ स्नेक बाइट में टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है। स्नेक बाइट में टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है इसने आपके बॉडी में कितना वैनम डाला है, सांप ने कितना वैनम डाला है, आप कितना भाग दौड़ कर रहे हैं, कितना घबरा रहे हैं, और कितना आप जितना इरिटेट होंगे आपका हार्ट बीट उतना फास्ट होगा। हार्ट बीट फास्ट होगा तो जहर उतनी तेज़ी से आपके बॉडी में फैलेगा। सेकेंड थिंग ये होता है कि कई बार इसने किस जगह में आपके शरीर के किस हिस्से पर काटा है। लोअर पोजिशन में काटा है तो ठीक है, अगर अपर पोजिशन में काटा है तो आपके पास टाइम पीरियड कम होता है। इनका देखा गया कि स्नेक बाइट में आदमी 45 मिनट में भी ख़त्म हो गए से। तो इसी तरह से इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं, क्योंकि ये कई बार हमारे हो सकता है इस उंगली में काटा है, लेकिन कहीं हमारे प्रेशर पॉइंट में अगर ये काट दिया, उसमें अगर जहर चल दिया तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसीलिए सब चीज़ों में एक ही बात आता है कि आपकी जान हमेशा डॉक्टर ही बचा सकता है और सांप के जहर से बना एंटीविनम कोई। हाँ, इसका लक्षण क्या है सर? इसके लक्षण अगर ये काटने के बाद क्या लक्षण, ये अगर हमको काट दें तो काटे हुए जगह से आप उस जगह पे बहुत बर्निंग पेन होगा, बर्निंग पेन होगा, स्वेलिंग होगा, उसके बाद हमारे मुंह से पानी आना चालू हो जाएगा, उल्टियां चालू हो जाएगा, आंखों में धुंधला दिखेगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, हमारे गला जो है चोक हो जाएगा, हमको बातचीत करने में तकलीफ होगा, हमारे रेस्पिरेटरी फेल हो जाएगा, उसके बाद हमारा हार्ट अटैक होकर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सिम्टम आते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो यूट्यूब में हमारा चैनल है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। फोटो चाहिए सर को? लुक आउट, जो ये एंटी वेनम सांप का है, ये नाजा नाजा का, वो हम लोग को मार्केट में यूजुअली अवेलेबल हो जाता है। आपका शुभ नाम? मनीषा मिश्रा। मनीषा मिश्रा जी, सबसे पहले आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने हमें क्वेश्चन किया कि एंटी वेनम हमारा गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है हर सरकारी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करती है, और भारत की सबसे अच्छी कंपनी भारत सीरम वैक्सीन लिमिटेड ये एंटी वेनम प्रोवाइड करती है, और हर सरकारी हॉस्पिटल में एंटी वेनम अवेलेबल है। हाँ, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के हर सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है वहाँ पर कैसे डॉक्टर हैं, कैसे आपको थेरेपी दे रहे हैं, कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भारत की सबसे अच्छी एंटी वेनम भारत सीरम वैक्सीन लिमिटेड प्रोवाइड करती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा वहाँ, क्योंकि सरकार हमको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फ्री रहेगा और उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहती। एंटी वेनम ले लिए तो बच जाते हैं? देखिए, एंटी वेनम का भी एक टाइम पीरियड होता है, जैसा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि अगर आपकी उंगली में स्टार्टिंग एज पे अगर कैंसर हो गया या जहर फैल गया तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंटी वेनम भी काम करेगा आपकी बॉडी में। अगर पूरी तरह से जहर फैल गया, आपके हार्ट पे आ गया, हार्ट से ब्रेन पे आ गया, तो एंटी वेनम को भी काम करने के लिए टाइम चाहिए, डॉक्टर को भी थेरेपी देने के लिए टाइम चाहिए। आप अगर हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा हार्ट रुक गया, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो सारे चीज़ों में एक ही बात आता है कि हर चीज़ में आपको स्नेक बाइट में जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास पहुँचिए, क्योंकि डॉक्टर को भी थेरेपी देने के लिए टाइम चाहिए और एंटी वेनम देने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।